All right, so let's start with next question. An electron in the hydrogen atom jumps from excited state N to the ground state. The wavelength so emitted illuminates a photosensitive material having work function 2.75 eV. If the stopping potential of the photoelectron is 10 eV, then value of N is. So aisa hai, we have hydrogen atom. Hydrogen atom mein inside is a nucleus with one proton. We don't care for that for the time being. Ab from some state, humko nahi pata kaun sa state se, some nth state se transition ho raha hai to the ground state, matlab first orbit mein. Yahan se jo photon emit hoga, that photon will fall onto a photosensitive material and iska work function, is material ka work function hai 2.75 eV, right? If the stopping potential is 10 eV, then the value of N is. So stopping potential V0 ki value bhi aapko di hai 10 eV. And they are asking you what is the value of N. So isko kaise find karoge? It is a simple task. Aapko stopping potential diya hai, aapko work function diya hai, and you're supposed to find out N. So how do we solve this question? Stopping potential se kinetic energy niklegi. So first of all, you need to know what is photoelectric equation. So photoelectric equation tha E, energy of photon, equal to work function plus kinetic energy. तो यहां से आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा क्योंकि आपको फोटोन का एनर्जी पता है फोटोन का एनर्जी नहीं, तो फोटोन का एनर्जी नहीं पता हमको. सो क्या करेंगे, व्हाट डू वी नो? सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन टू यू. आपको दिया क्या है पहले वो देखो. आपको क्या क्या बताया है स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी मिल सकता है उससे, राइट? क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज E टाइम्स ऑफ V0, राइट? दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन. फोटोन एनर्जी इज hc बाय लैम्डा. दिस इज वर्क फंक्शन. दिस इज E V0, करेक्ट? ये तो पता है ना, राइट? अब आई एम इंटेंशनली मेकिंग यू थिंक बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन. नो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. वेट अ मिनट, यू नीड टू नो विच स्टेट इज. देखो, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आके एनर्जी इमिट करेगा. वो एनर्जी जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में यूज हुआ, राइट? तो आपसे ये पूछा है कि कौन से स्टेट से ट्रांजिशन हुआ है. गुड, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो कैसे करेंगे? दिस इज वेयर यू नीड टू थिंक. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सबको पता है, गुड. यहां से क्या मिलेगा आपको, व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम हियर? फॉर द टाइम बींग अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो लेट मी गेट रिड ऑफ दिस. क्या मिलेगा यहां से? यस, तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज ई. व्हाट इज 50 गिवन टू यू? क्या दिया है? 2.75 eV. व्हाट इज के? ev0. और कितना दिया है? वो दिया है 10, राइट? दिस इज 12.75 eV. दिस इज एनर्जी. किसका एनर्जी? फोटोन का एनर्जी. बट फोटोन का एनर्जी, इफ यू रिमेंबर,
How do you find out this photon energy? It is transition from nth state to that of ground state. और ये आपको दिया है 12.75. ये आप कैसे फाइंड करते हो? -13.6 by n square, -13.6 by 1 square, minus of minus will become plus. Okay, this is equal to 12.75. इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब. This will go there. तो आपको मिल जाएगा -13.6 by n square equal to 12.75 -13.6. It is around 0.85 if I'm not wrong, something like this. Good. Then solve करो. इसको अगर आप solve करोगे तो ये minus minus plus हो जाएगा. 13.6 divided by 0.85, that is roughly 16. तो n क्या आएगा? n की वैल्यू आएगी 4. यू हैव n इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर डी. इस क्वेश्चन में आपको समझना यह है, फोटोन ही है, इसका एनर्जी जो है h nu hc by lambda आएगा, बट दैट डिपेंड ऑन द स्टेट, कौन से स्टेट से कहां पे ट्रांजिशन हो रहा है. ये फोटोन जब इंसिडेंट हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, जिसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 10 eV, वर्क फंक्शन था मेटल का 2.75 eV, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिस फोटोन शुड, एनर्जी ऑफ दिस फोटोन शुड बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 2.75 प्लस 10, तो 12.75 eV आ गया. गुड. अब ये फोटोन ई, जिसका एनर्जी ई था, वो कहां से एमिट हुआ? एंथ स्टेट से, जब इलेक्ट्रॉन ने इनर ऑर्बिट में ट्रांजिशन किया था. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट एन टू द ग्राउंड स्टेट, तो एन से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हुआ था, तब आपको ये मिला है. सो एन, क्योंकि एन से ग्राउंड स्टेट मतलब एन इक्वल टू 1 होता है, यू टू सॉल्व दिस एंड यू विल फाइंड एन इक्वल टू 4. तो ट्रांजिशन कहां से हुआ? N equal to 4 से. So this is how you are supposed to solve this question. Easy था. Next question. Okay. All right. So next question. This question is again very simple. Light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal with work function 2.28 eV. The de Broglie wavelength of the emitted electron is light of wavelength. So wavelength kitna hai 500 nanometer, matlab 5 into 10 power minus 7 meter. This is the wavelength that is incident. And work function of the material is equal to 2.28 eV. Okay. Now, you are supposed to find out the de Broglie wavelength of the emitted electron. Question अच्छे से समझ लेना. Wavelength किसका? ये wavelength incident photon का. So this lambda wavelength is of incident photon. Work function किसका? Material का. ये photon का है. Find क्या करना है? फाइंड करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं? इफ यू रिमेंबर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज एच अपॉन मोमेंटम, एंड इफ यू रिमेंबर व्हाट वी हैड वाज काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. फिर हमने m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया था, इसका मतलब हमें मिलेगा k इक्वल टू हाफ मोमेंटम स्क्वायर बाय m, मतलब मोमेंटम हमको इन शॉर्ट मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2mk. करेक्ट. तो इसलिए हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा वी विल गेट h upon under root of 2m times of kinetic energy.
अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो रहा है, उसका अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर पाए, तो इन दैट केस दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व एंड दिस वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. और ये जो इंसिडेंट वेवलेंथ था, ये फोटोन का वेवलेंथ था. सो यू आर सपोज टू फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फोटोन आया, सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, वर्क फंक्शन आपको बताया है 2.28 eV, जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में लगा, बचा हुआ एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. गुड, हमें पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी. नाउ यहां पे ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड लेस देन, ऐसा दिया हुआ, राइट? तो व्हाई? बिकॉज हमने जब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, उसमें हमने लिखा था, हमेशा लिखते हैं हम लोग के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन. मतलब आप हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका, किसका, इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है उसकी बात करते हैं. तो वी ऑलवेज राइट दिस. ओके, गुड. अगर ये मैक्सिमम है, लैम्बडा एंड दिस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब लैम्बडा मिनिमम है, राइट? तो लैम्बडा की मिनिमम वैल्यू ये होनी चाहिए एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mK max. ओके, गुड. मिनिमम वैल्यू मतलब हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में लिखेंगे हम. ओके, इट शुड बी ग्रेटर देन समथिंग. योर टास्क इज टू फाइंड आउट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. हमारे पास जो कुछ दिया है उससे निकालना पड़ेगा. कैसे फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन है यहाँ पे. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करोगे? सो यू हैव बीन गिवन इक्वेशन हियर, राइट? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? अब ई कैसे फाइंड करते हो? एच सी बाय लैम्बडा. किसका लैम्बडा? फोटोन, क्योंकि ये एनर्जी होता है फोटोन का, माइनस वर्क फंक्शन, राइट? वर्क फंक्शन. प्रॉब्लम इज आंसर मीटर में है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन मीटर में है, एच SI यूनिट में है, जूल पर सेकेंड, सी मीटर में है, वर्क फंक्शन आपको ईवी में दिया है, तो वर्क फंक्शन को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहां पे जूल में जाएगी. सो लेट अस कैलकुलेट. एच सी की वैल्यू मैंने आपको कल बताया था. एच सी का वैल्यू क्या था? 2 × roughly 10⁻²⁵ अपॉन, व्हाट वाज देयर इन द डिनोमिनेटर? लैम्बडा. इक्वेशन याद है ना, ये अभी इक्वेशन लिखा, लैम्बडा. फोटोन कितना है? 5 × 10⁻²⁷ −7 5 × 10⁻²⁷ माइनस क्या था? वर्क फंक्शन 2.28 eV. 2.28 eV को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹ आएगा. This will be, this is easy, 2/5 is 4/10, मतलब 0.4 मतलब 4 × 10⁻¹ −1 −25 −26, तो 10⁻¹⁹ −2.28 × 1.6 × 10⁻¹⁹ ओके, करेक्ट? इज दिस करेक्ट? यस, नो? व्हाट इज 2.28 × 1.6? 3.2
3.648. So this is 3.648 into 10 power minus 19. Okay, right? What is this subtraction? Roughly 0.3. Let us keep 0.3 for the timing. बाद में देख लेंगे इसको. Okay? तो ये मिल गया आपको. क्या है ये? What is this? K max. हमें क्या find करना था? क्या find करना था? Wavelength. Wavelength का formula क्या था? Electron की wavelength का minimum का h upon root of 2mk. h 6.62 into 10 power minus 34 upon root of 2 mass of electron, है ना? Right? Mass of electron. What is mass of electron? Mass of electron 9.1 into 10 power minus 31 into kinetic energy 3 into 10 power minus 20. ये 9.1 का रूट भाग जाएगा 3 into 2, 6. 6 का रूट 2 point something और बाहर था 3. वापस 6 point something, cancel. नीचे 10 power minus 51, minus 50, रूट से बाहर आएगा 25. 10 power minus 34, नीचे 10 power minus 25, ऊपर जाएगा 10 power minus 34 into 10 power plus 25, मतलब ऊपर बचेगा आपका 10 power minus 9 और नीचे एक रूट रूट ऑफ 10 पावर माइनस 1 है, मतलब 1 बाय 10 है. ये ऊपर जाएगा तो रूट 10 इंटू 10 पावर माइनस 9 समथिंग 3 पॉइंट समथिंग ऐसा ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन है 3 पॉइंट समथिंग 2.8. हमने रफ किया है कैलकुलेशन. दिस शुड बी मिनिमम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ले रहे हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो ये मिनिमम वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 9. हमने क्योंकि रफ कैलकुलेशन किए तो इसलिए हमें मिला रफली रूट ऑफ 10, विच इज रफली 3. More or less, क्योंकि calculation rough की है हमने. Exact करेंगे तो हमको भी 2.8 मिलने वाला है. So I'm repeating this again. Question was very good. आपके पास photon है, photon का wavelength है, work function है, आपको पूछा है. You have been asked de Broglie wavelength of emitted electron. तो सबसे पहले हमको de Broglie wavelength of emitted electron का formula पता होना चाहिए. That is लैम्डा ई एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 एम के मैक्स, मतलब ये फॉर्मूला. फिर के मैक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. तो फोटोन का एनर्जी एच सी अपॉन वेवलेंथ माइनस वर्क फंक्शन को ईवी से जूल में लेके गए. एंड देन आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस you have maximum kinetic energy of electron emitted roughly 3 into 10 power minus 20. ये substitute कर दिया, mass of electron substitute कर दिया. calculations करने के बाद you have roughly approximately 3 into 10 power minus 9. rough calculations है ये, this is rough calculations. तो अगर exact करते तो आपको exact calculations से you will get 2.8 into 10 power minus 9. तो wavelength, ये minimum wavelength है, मतलब wavelength should be either this or greater than this. तो option number B आएगा. Let's move to next question now. A certain metallic surface is illuminated with
monochromatic light of wavelength lambda, the stopping potential for photoelectric current for this light is 3V0. If the same surface is illuminated with light of wavelength 2 lambda, stopping potential is V0. Threshold wavelength for this surface is, okay, photoelectric effect होने के लिए पूछा है. क्वेश्चन समझ लो पहले. हमारे पास एक सर्टन मेटल सरफेस है. वी हैव सर्टन मेटल सरफेस मान लेते हैं, राइट. इसको हमने पहले इल्यूमिनेट किया है विथ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्ब्डा. इस केस में जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ था उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल था 3V0. अब सरफेस सेम रखा है, मतलब वर्क फंक्शन सेम होगा, ओके, दोनों केस में. अब हमने वेवलेंथ जो यूज की है, दैट वेवलेंथ इज नाउ 2 लैम्ब्डा. इस केस में जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0, राइट. तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस सरफेस फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, आपको लैम्ब्डा 0 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है. तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो, ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, राइट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका इक्वेशन आपको पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन आएगा, राइट. गुड. तो नाउ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज EV0. एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ HcN λ इज HcN λ. वर्क फंक्शन इज φ0. व्हाट आई विल डू इज, ये जो ई है इस ई को मैं यहां पे उठा के, एनीवेज, तो आई विल करेक्ट दिस. सो व्हाट वी विल डू इज दिस काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा था हमने, EV0, ये था HcN λ माइनस वर्क फंक्शन. तो ये जो E है, इस E को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो डिवाइड बाय E हो जाएगा, राइट. डिवाइड बाय E मतलब ये जूल में आ गया, इन शॉर्ट. एनीवेज, ये जनरल इक्वेशन है. अब फ्रॉम फर्स्ट केस 1, व्हाट डू वी हैव फ्रॉम केस 1, व्हाट इज केस 1 टेलिंग अस? वेवलेंथ कितना? लैम्ब्डा. स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना? 3V0. मतलब मैं इस इक्वेशन में लिखूंगा 3V0 इक्वल टू HcE λ, क्योंकि वहां पे लैम्ब्डा था वेवलेंथ, माइनस वर्क फंक्शन अपॉन E. सेकेंड केस में वेवलेंथ कितना है? 2λ, और वर्क फंक्शन कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? V0. तो सेकेंड केस में आपको मिलेगा, इन केस टू यू विल हैव स्टॉपिंग पोटेंशियल वॉज V0 हियर, और ये आएगा HcE2E λ, क्योंकि 2E λ क्यों, बिकॉज वेवलेंथ वॉज 2λ, माइनस वर्क फंक्शन अपॉन E. इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, और ये जनरल इक्वेशन है. व्हाट वी वर सपोज टू फाइंड आउट इज, क्या फाइंड करना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करना है. तो मैं एक छोटा सा यहां पे चेंज करूंगा. व्हाट इज वर्क फंक्शन? H nu 0, है ना, वर्क फंक्शन.
नो जीरो क्या था, सी अपॉन लैमड़ा जीरो, मतलब ये था एच सी अपॉन लैमड़ा जीरो। इसका मतलब इवन दिस हियर, इसको भी मैं एच सी अपॉन लैमड़ा जीरो लिख सकता हूं। सो आई कैन राइट दिस ऑल्सो एच सी बाय ई लैमड़ा जीरो, एंड इवन दिस आई कैन राइट एज एच सी बाय ई लैमड़ा जीरो। ओके गुड, तो वी आर गुड। कम से कम इक्वेशन में लैमड़ा जीरो आ तो गया, अब फाइंड कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, मतलब एडिशन भी कर दिया अगर, राइट, तो व्हाट हैपेंस इज इफ यू सब्ट्रैक्ट, यही कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा जीरो फाइंड करना है उसी को कैंसिल कर दिया इक्वेशन से, नहीं चलेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू इज डिवाइड दिस। अगर मैं इक्वेशन टू को इक्वेशन थ्री से डिवाइड करता हूं, तो इक्वेशन टू को इक्वेशन थ्री से डिवाइड करते हैं, तो थ्री वी जीरो अपॉन वी जीरो इक्वल टू, ये था एच सी कॉमन आउटसाइड बाय ई भी कॉमन, वन बाय लैमड़ा माइनस वन बाय लैमड़ा जीरो अपॉन एच सी बाय ई वन बाय टू लैमड़ा माइनस वन बाय लैमड़ा जीरो। गुड, इसका मतलब ये 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 सब हो गया कैंसल आउट, करेक्ट। तो व्हाट यू विल हैव नाउ इज थ्री इंटू वन अपॉन टू लैमड़ा माइनस वन अपॉन लैमड़ा जीरो इक्वल टू वन अपॉन लैमड़ा माइनस वन अपॉन लैमड़ा जीरो। इसका मतलब अब सॉल्व करो, थ्री बाय टू लैमड़ा माइनस थ्री बाय लैमड़ा जीरो इक्वल टू वन बाय लैमड़ा माइनस वन बाय लैमड़ा जीरो। गुड, इसको वहां शिफ्ट करो और इसको यहां शिफ्ट करो, थ्री बाय टू लैमड़ा माइनस वन बाय लैमड़ा इक्वल टू, ये वहां जाएगा तो प्लस होगा थ्री बाय लैमड़ा जीरो माइनस वन बाय लैमड़ा जीरो। थ्री बाय टू 1.5, 1.5 में से 1 गया, 0.5 मतलब ये है 1 बाय 2 लैमड़ा और ये है 2 बाय लैमड़ा 0, मतलब लैमड़ा 0 इज इक्वल टू 4 लैमड़ा। ऐसा कहीं तो आंसर में है, राइट। तो व्हाट यू हैव डन इन दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो दिस फॉर्मूला, या फिर कम से कम फॉर्मूला बनाया कैसे ये पता होना चाहिए। गुड, केस वन इस पे अप्लाई करो, केस टू अप्लाई करो, दोनों को डिवाइड कर दो और देन डू रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स, मतलब अलजेब्रा, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, एंड यू विल हैव लैमड़ा जीरो इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ लैमड़ा। सो इंटेंशनली एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, विच मीन्स दिस विल बी असाइनमेंट फॉर यू, इट इज एग्जैक्टली द सेम, जस्ट वैल्यूज चेंज हुई है, दैट्स इट। वहां पे थ्री वी जीरो और वी जीरो था, यहाँ पे वी और वी बाय फोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कम्स फ्रॉम थियोरी, बिकॉज इसलिए थियोरी इंपॉर्टेंट भी होता है। द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल मतलब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, यहाँ पे फॉर अ फोटो सेंसिटिव सर्फेस फॉर थ्री डिफरेंट रेडिएशन
Which one of the following statement is a correct statement? Curve A, curve B represent incident radiations of different frequencies and different intensities. Let me take you back to basic idea of photoelectric effect. अगर आपको याद होगा photoelectric effect पढ़ते समय when we were studying theory of this, मैंने आपको बताया था यहाँ पे तीन पैरामीटर है, उसमें से हम एक पैरामीटर को वेरी करेंगे, दो को कांस्टेंट रखेंगे और फोटो करंट कितना आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना आ रहा है वो देखेंगे। मैं आई यहाँ पे यूज नहीं कर सकता वो करंट के लिए, क्योंकि आई इज रिजर्व फॉर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और नाउ इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी ये फिक्स्ड पैरामीटर्स है। मैं एनोड वोल्टेज, एनोड पोटेंशियल मतलब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल यहाँ पे वेरी कर रहा हूं। अगर आपको याद होगा इसका नेचर ऐसा था, आई विल नॉट गो इनटू ऑल द डिटेल्स, बट इसका नेचर ऐसा था समथिंग लाइक दिस। देन हमने कलेक्टर को नेगेटिव कर दिया था विद रिस्पेक्ट टू इमिटर। तो यू हैड समथिंग लाइक दिस, इसको आप बोलते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। मतलब ये क्या करता है, ये कलेक्टर प्लेट इमिटर प्लेट, यहाँ पे फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ये कलेक्टर प्लेट है जिसका काम इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना था, मैंने इसी को नेगेटिव कर दिया, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा वो भी स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो द पोटेंशियल विच स्टॉप्स इवन द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए कलेक्टर प्लेट क्या होना चाहिए, नेगेटिव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव V0 होता है। गुड गुड। नाउ द आइडिया हियर इज, इफ यू रिमेंबर, ऑफ कोर्स याद रखना बहुत जरूरी है। द थिंग इज हमने बाद में क्या बोला कि ठीक है अब What we will do is फ्रिक्वेंसी सेम रखा हमने। फ्रिक्वेंसी सेम रखने का मतलब यह है कि फोटॉन्स का एनर्जी सेम है, राइट। इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब है कि हम नंबर ऑफ फोटॉन्स या तो बढ़ा रहे हैं या तो कम कर रहे हैं, करेक्ट। तो अगर मैं अब हायर इंटेंसिटी पे देखता हूं तो वॉट डू आई नोटिस, हायर इंटेंसिटी पे हमको ऐसा कुछ मिलेगा, राइट। उससे हायर इंटेंसिटी पे गए तो ऐसा कुछ मिलेगा। मतलब इंटेंसिटी चेंज करना मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा थोड़ा ज्यादा मिलने वाला है, राइट। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करते, दिस इज फॉर यू हैव सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज, बिकॉज चेंजिंग इंटेंसिटी मीन्स जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ photons but not energy of photon, energy of each photon is the same, whereas increasing the frequency, agar main frequency change kar raha hu, frequency increase kar raha hu, to frequency increase karne ka matlab kya hota hai, frequency increase karne ka matlab ye hota hai that stopping potential ki value change hogi, this is what you need to remember, stopping potential ki value change hogi। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगर आप ग्राफ देखोगे ए और बी, इन दोनों कर्व का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो व्हेन इट इज पॉसिबल व्हेन यू हैव डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम फ्रीक्वेंसी, राइट। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, नॉट पॉसिबल। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट, ए और बी दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो ये तो हो नहीं सकता। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज, यस। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
right? Theory, in short, what you need to remember is different stopping potential means different frequency. Same stopping potential means different intensities. ये पता होना चाहिए. Next question. A photocell is receiving light from a source placed at a distance of 1 meter. Okay. If the same source is to be placed at a distance of 2 meter, then the ejected electron moves with 1/4 energy as rate of initial energy, moves with 1/4 of momentum as rate of initial momentum, will be half in number, will be 1/4 in number. क्या किया है हमारे पास एक फोटोसेल है जो लाइट रिसीव कर रहा है फ्रॉम सम सोर्स ऑफ लाइट जो 1 मीटर डिस्टेंस पे था. अब इसी सोर्स को हम 2 मीटर डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 1/4 होगा, मोमेंटम 1/4 होगा, नंबर हाफ होगा या नंबर 1/4 होगा, ये आपको पूछा है. अब यू नो लास्ट सेशन कल का लेक्चर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. पता है कल ही बताया था मैंने. बट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वेयर. यह पता होना चाहिए. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 डिस्टेंस स्क्वेयर. जिनको नहीं पता है ये बेसिक्स उनके लिए, इमेजिन हमारे पास एक लाइट बल्ब है. हम जैसे जैसे लाइट बल्ब से दूर जाएंगे हमको सेम लाइट बल्ब फेंट दिखने लगेगा, मतलब लेस इंटेंस दिखेगा. क्यों? उसने क्या एनर्जी इमिट करना कम किया? नहीं, बट बिकॉज वी आर मूविंग अवे. मतलब इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बट इनवर्सली. जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना इंटेंसिटी कम एंड द अदर वे अराउंड. ओके राइट. सो इंटेंसिटी इज 1/2 डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो मतलब इंटेंसिटी कम होगा, मतलब नंबर कम होगा. वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बट क्योंकि यहाँ पे दो आ गए ना, हाफ या फिर 1/4. गुड, तो इट इज इजी. सो इन शॉर्ट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 1/डिस्टेंस स्क्वायर. तो नंबर N2/N1 इज D1/D2 का स्क्वायर. तो N2 इज इक्वल टू D1 कितना था 1 मीटर, D2 कितना है 2 मीटर स्क्वायर टाइम्स N1. तो यह आ जाएगा आपका N1/4. तो N2 इज N1/4 विल बी 1/4 इन नंबर. आइडिया इज सिंपल. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. ये मैंने थ्योरी में इन डेप्थ लिया है. इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट बढ़ाना, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना. तो नंबर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी बट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस स्क्वायर. तो मिल गया आपको नंबर और डिस्टेंस का रिलेशन. दैट्स इट. N2/N1 इज D1/D2 होल स्क्वायर. यू हैव N2 एज N1/4 राइट. तो दिस थिंग यू नीड टू नो, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 फर्स्ट ईयर ऑफ नीट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फोटोसेल. The stopping potential is found to be V0 if the distance between light source and photocell is made 25 centimeter. The new stopping potential will be. How to connect? हमारे पास एक source of light है जो 50 centimeter distance पे है. Good. Stopping potential V0 है.
डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? सो यू नीड टू मेक अगेन अ रिलेशन बिटवीन बिटवीन व्हाट बिटवीन डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. हमको ऑलरेडी क्या पता है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 डिस्टेंस स्क्वायर, राइट? कैन वी कनेक्ट इंटेंसिटी विथ स्टॉपिंग पोटेंशियल? कैन यू कनेक्ट इंटेंसिटी विथ स्टॉपिंग पोटेंशियल? इंस्टेड ऑफ वी आई वॉन्ट टू से कैन यू कनेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बट कैसे थोड़ा सोचो, बिकॉज आई थिंक दिस कैन बी सॉल्व ओरली. दिस इज वॉट माई एक्सपेक्टेशन इज. क्यों? स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन. और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी, राइट? करेक्ट. तो डिस्टेंस हमने चेंज कर दिया, इंटेंसिटी चेंज हुआ, लेकिन इंटेंसिटी चेंज हुआ बट नंबर ऑफ फोटॉन चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ क्या? नहीं. हाँ, तो फिर सेम रहेगा. जिसको नहीं समझा मैं बता देता हूं. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज ट्रू, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर, दैट इज ट्रू, राइट? बट स्टॉपिंग पोटेंशियल वी जीरो इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी जीरो इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वी जीरो इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, राइट? देयरफॉर वी जीरो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो डिपेंड करेगा सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन. आप डिस्टेंस चेंज कर रहे हो, मतलब आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो, राइट? इट डजंट इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसेल एम्प्लॉयज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट. अभी फोटोसेल, व्हाट इज फोटोसेल? फोटोसेल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नहीं पता तो डजंट मैटर, हम देख लेंगे. तो फोटोसेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज क्या करने के लिए करता है? चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब इंटेंसिटी का चेंज हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं वर्क फंक्शन के चेंज में. वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता, वर्क फंक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. एल्यूमिनियम के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, आयरन के लिए अलग. तो वर्क फंक्शन डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल. मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं है. चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू अ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज ट्रू. क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होना मतलब फोटोन का एनर्जी चेंज होना, फोटोन का एनर्जी चेंज होना मतलब इमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चेंज होना. उसका चेंज होने का मतलब ये होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है. तो ऑप्शन नंबर बी. सो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज 3250 × 10⁻¹⁰ मीटर. बाय द वे दिस इज वॉयलेट कलर, 3000 इज वॉयलेट विब्योर, ओके? द ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है. द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2536 × 10⁻¹⁰ s. तो फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्ब्डा जीरो की वैल्यू दी है आपको, कितनी 3250 एंगस्ट्रॉम, राइट? ओके, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सरफेस, अगर आपका इंसिडेंट वेवलेंथ ये होगा 2536 एंगस्ट्रॉम, तो हाउ मच इज वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन? तो डू यू रिमेंबर फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, वही वही करना है बार बार, क्या था? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन विच इज एच सी बाय लैम्ब्डा जीरो, वर्क फंक्शन है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको पता है फोटोन का एनर्जी दो काम करता है, एक तो फ्री करता है, फिर एनर्जी भी देता है इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए, गो अवे ना, ओके? सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड इन दिस टू वे, यहां से हमको मिल जाएगा इक्वेशन, बाय द वे एनर्जी ऑफ फोटोन ई इज एच सी बाय लैम्ब्डा, इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं तो माइनस एच सी बाय लैम्ब्डा जीरो इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। आर इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है वी, तो मुझे मिलेगा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 बाय एम। एच सी भी कॉमन निकाल ही लेते हैं, एच सी 1 बाय लैम्ब्डा माइनस 1 बाय लैम्ब्डा जीरो, करेक्ट, ये हो गया वी स्क्वायर, हमें चाहिए था वी, तो इसका स्क्वायर रूट, ओके, गुड गुड। टू इंटू एच सी इज टू, रफली 10^-25 अपॉन मास। व्हाट इज मास, किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास। व्हाट इज मास, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास किसका? इलेक्ट्रॉन। 9.1 × 10^-31 1 बाय लैम्ब्डा। एंड बाय द वे ये दोनों एंगस्ट्रॉम में थे क्या, मतलब 10^-10 था? यस, तो मैं पहले ही इसको बाहर निकाल के रख रहा हूं, तो 10^-10 मैं पहले से ही बाहर रख रहा हूं, ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टेकन दैट थिंग आउट। अब अंदर आएगा 1 बाय लैम्ब्डा, 1 बाय लैम्ब्डा, व्हाट इज लैम्ब्डा? 2536 माइनस 1 बाय लैम्ब्डा 0, व्हाट इज लैम्ब्डा 0? 3250, और इस पूरे टर्म का रेज टू हाफ, ओके, तो 4/9 10^-25 और नीचे 10^-41 ऊपर जाएगा तो +41 होगा, 10^-41 − 25 मतलब 10^16 +16, राइट? ओके, देन हियर यू विल हैव 3250 माइनस 2536 अपॉन 2536 मल्टीप्लाइड बाई 3250 वोल रेज टू हाफ, ओके, गुड। देन अब प्रॉब्लम अल्टीमेटली आता है कैलकुलेशन में, और वो प्रॉब्लम के लिए ही ये क्वेश्चन हमने दिया है यहाँ पे कि कैलकुलेशंस कैसे करने, तो हाउ विल यू परफॉर्म दिस कैलकुलेशंस?
क्योंकि इंपॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू फाइंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग क्विकली. तो कैलकुलेशंस फास्ट कैसे होते हैं ये ही हमको यहाँ पे सीखना है. फॉर्मूला तो यहाँ पे आपको पता ही होगा. ओके तो कैलकुलेशंस फास्ट कैसे करेंगे अब यहाँ पे. 4/9 का रूट 2/3 बराबर 10^16 का रूट 10^8 3250 2536 मैं रफली 2550 कर लेता हूं. 3250 2550 650 750 850 950 700 700 राइट. 2550 मल्टीप्लाइड बाय 3250 हाउ मच 2555 3 2 5 rough rough Well, let me tell you one thing. ऑप्शन देखोगे तो एक बार समझ में आ जाएगी आपको. वो ज्यादा झंझट करना नहीं है उसका मल्टीप्लीकेशन का. क्यों नहीं करना. 6.6 61.31 मतलब एग्जैक्ट तो करना ही नहीं है. दिस इज इजी. 3 32 × 25 32 × 10 320 फिर 320 मतलब 640 फिर उसका 320 का हाफ 160 640 160 कितना होता है 800 roughly 800. ओके गुड. ये याद रखना roughly 800. तो ये roughly 8 80,000 roughly. तो ये दो उड़ गए हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व. ये जाएगा और सॉल्व करोगे. गुड. यस ऑफ कोर्स पावर हाफ है आई नो. तो ये जो 10^2 है 800 मतलब 800 मतलब 8 × 100 तो 2/3 800 का रूट. मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूं. क्यों नहीं कर रहा हूं क्योंकि अंदर अभी 7/8 बचा उसका रूट. 7/8 roughly 1 होता है क्या. roughly 1 होता है ना. 1 का रूट कितना होता है 1 होता है. वेरी गुड. तो 1 का रूट 1 2/3 0.66 मैंने पहले ही बताया था. ज्यादा टेंशन लेने नहीं है. 0.66 × 10^7 मतलब 6 × 10^6 है क्या 6 × 10^6 नहीं. तो फिर कहाँ गलती हुई ढूंढो. यू डोंट हैव एन आंसर. फाइन वेयर डिड वी गो रॉन्ग. यू डोंट हैव. तो क्या कहाँ गया आंसर. समथिंग वेंट रॉन्ग. व्हाट वेंट रॉन्ग वो देखना पड़ेगा. This is this correct? पहले तो ये चेक कर लेना. तो ठीक है. एनीवेज कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा हूं. मोर और लेस वी आर एट द राइट ट्रैक. सिर्फ 10^10 आपको कहीं तो चेक करना पड़ेगा. एंड आई थिंक आंसर बी आने वाला है. ओके तो यू जस्ट नीड टू चेक पावर्स ऑफ 10. दैट्स इट. वो इजी है. वो इजी टास्क है. वो आप करोगे. दिस इज माई अजम्पशन. ओके ऑल राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो
when we calculated HC, roughly 2 into 10 power minus 25, in that case, H was 6.62 into 10 power minus 34. Here is also the same. Q, 4.14 10 power minus 15. E is 1.6 into 10 power minus 19. ओके तो वही आने वाला है राइट H 4.14 10 पावर माइनस 15 तो ये E की जगह पे आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे 1.6 इंटू 4 इज अगेन 6.62 तो नो प्रॉब्लम विद दैट इज द सेम हमारा गड़बड़ सिर्फ कहीं तो पावर एडजस्टमेंट में हुआ है वो देख लेना बिकॉज समथिंग वी शुड डू तो आंसर आ जाएगा मतलब अप्रोच इज गुड कोई इशू नहीं है फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी का वेरी गुड नाउ वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड डू कैलकुलेशंस सो दैट इज समथिंग यू शुड बी डूइंग व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 nu 0 इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज v1 When the frequency of incident radiation is increased to 5v0, the maximum velocity of electrons emitted from the same plate is v2. The ratio of v1 by v2 is. ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है आई थिंक 1/4 आंसर था बट स्टिल लेट अस सॉल्व अगेन 2018 का क्वेश्चन है वेरी रिसेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 nu 0 इंसिडेंट मेटल प्लेट मैक्सिमम velocity. If you remember, kinetic energy of electron emitted is energy of photon h nu minus work function h nu 0. Would kinetic energy in first case will be nu kitna bola hai 2 nu 0 bola hai na light of frequency 2 nu 0 मतलब 2h nu 0 माइनस nu 0 तो आपको काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस मिल जाएगा h nu 0 गुड नाउ व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड टू काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस इज h टाइम्स ऑफ 5 nu 0 क्योंकि ये कितना है 5 तो 5h nu 0 माइनस h nu 0 दैट इज 4h nu 0 राइट दिस इज व्हाट यू हैव आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस डू यू रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर याद है ना हाफ एम वी स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर मतलब वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमको रेशियो पूछा है v1 टू v2 तो v1 बाय v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k1 बाय k2 k1 What is K1? H nu 0. K2 is 4 times of H nu 0. Cancel. 1/4 ka root hota hai. 1/2. Option number A. 1/4 humne kiya tha jab aapko kinetic energy ka ratio pucha tha. Yahan pe velocity ka ratio pucha hai. Right? Good. So, this is how you are supposed to solve this particular question. So, sufficient for the day. We will stop at this question.